बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से। यहाँ पर स्कूल से शराब बरामदगी मामला, मंत्री राम सूरत राय के भाई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की अर्जी, 8 आरोपियों के खिलाफ पुलिस की अर्जी है ये। 13 लोगों पर नामजद मामला दर्ज हुआ था, 5 आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें राम सूरत राय के भाई का नाम भी इस अर्जी में शामिल है। ये बड़ा मामला था क्योंकि उसी स्कूल से शराब बरामद हुई थी जो स्कूल उनके भाई का बताया जा रहा है। सियासी संग्राम इस पूरे मामले पर मचा ही है, लेकिन ऐसे में अब वारंट भी जारी हुआ है 8 आरोपियों के खिलाफ जिसमें उनके भाई भी हैं। हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उनका रुख करेंगे। मनोज, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? ये मंत्री राम सूरत राय के भाई जो हंसलाल राय है, उनके स्कूल से जो शराब बरामदगी हुआ था उसमें 13 लोगों पर नामजद पुलिस ने बोधा थाना ने मामला दर्ज किया था, जिसमें से 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार की थी और मंत्री जी के भाई समेत कुल 8 आरोपी थे जिनके खिलाफ जो है वो पुलिस कोर्ट में जो है गिरफ्तारी वारंट की अर्जी दी है। ये तमाम जानकारी जो मुजफ्फरपुर पूर्वी DSP मनोज पांडे ने दी है और कहा है जैसे ही अर्जी आएगी उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो कहा जा सकता है कि जो लगातार फजीहत थी पुलिस की उसके बाद जो है पुलिस हो जागी है। हाँ। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज, आपका बिल्कुल बेहद दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ वारंट निकाला जा चुका है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार पुलिस उन्हें कब तक गिरफ्तार करती है। यहाँ पर बात मंत्री राम सूरत राय के भाई की हो रही है।